हम ना एक सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ देखते हैं। ये आपको पता है ये लाइन लगी है यूं करके ऐसे करके, ठीक है? ये इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस लाइन का कोई, ये एक हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को इधर के बजाय ना, ये इसका ओरिजिन है 0.0 का, इधर के बजाय अब मैं लाइन को स्टार्ट कर देता हूँ इस जगह से। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको हम कह देते हैं दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज 5, एक्स की वैल्यू इसमें है 0 और वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे है 5। सो दिस इज 0.5। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन दिस केस? और अगर ये वाली लाइन यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और मैं कहता हूँ एक्स पे यहाँ टर्मिनेट हो रही है ना 25 पे, हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे हैं। सो यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है, दिस इज 25.25। What about this one? जब मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो y अब 0 के बजाय 25 पे स्टार्ट हो रहा है और एंड y किसके ऊपर हो रहा है? अब 30 के ऊपर एंड हो रहा है। इसकी स्लोप कंप्यूट करते हैं, ये पुराना जो है ना, ये आपको मैं मेट्रिक की चीज बता रहा हूँ, m कंप्यूट करते हैं। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 0 इन दिस केस। सो इसकी स्लोप कंप्यूट करते हैं, सो दिस इज 25 बाय 25, अगेन दिस इज इक्वल टू 1, इसकी स्लोप 1 की इक्विवेलेंट है। पहले वाले केस में भी हम कंप्यूट करके देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट केस है वो क्या है हमारे पास, अब इसको इस लाइन के कंप्यूट करते हैं, मैं इसका कलर चेंज करूँ, अब इस लाइन के लिए कंप्यूट करते हैं। पहले मैंने किसके लिए कंप्यूट की थी? पहले मैंने इस लाइन के लिए ये कंप्यूट की थी, ये अब मैं सेकेंड लाइन इसके लिए कंप्यूट करूँ। सो व्हेन आई एम नाउ कंप्यूटिंग दिस फॉर दिस लाइन, सो दिस इज नाउ इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 25 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। सो दिस इज इक्वल टू 25 माइन 25 बाय 25, दिस विल गोइंग टू गिव मी 1। सो दोनों की स्लोप एग्जैक्टली सेम आ गई। अब c वाला फैक्टर क्या है? ये देखिए, ये वाली लाइन कहाँ पे थी? हमारे पास एग्जैक्टली ओरिजिन से पास हो रही थी। तो इसका मतलब है इस लाइन का और इस लाइन में जो सी है वो क्या इक्विवेलेंट टू 0 है। अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन सेम थी, लेकिन अब ये लाइन इधर से उठ के इस जगह पे चली गई, यानी इस लाइन में एक ऑफसेट आ गया, ये यहाँ से उठ के इधर ऊपर गई, इसमें ऑफसेट आया। और कितना ऑफसेट आया? ये 5 का ऑफसेट आया। सो जितना किसी लाइन के अंदर ऑफसेट आता है इसको हम कहते हैं सी। सो सी इस केस में 5 के इक्विवेलेंट आता है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। मेरा ठीक है जी, इज दिस ओके? शुड आई गो अहेड? यस सर, ऑफसेट। हां जी बेटा, ऑफसेट नेगेटिव क्या इफेक्ट होगा इसका? मेरा पहले आप पूछ, मैं दूसरे बच्चे को सुनता हूं। जी बताएं बेटा। सर इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? ब्राइटर होगी या? अच्छा, वो मैं बता, डार्कर। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। और दूसरा बच्चा कौन है? सर तलहा बात कर। सर ऑफसेट अगर नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा? ये अगर सी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अच्छा ओके, अब ये भी देख लेते हैं सी की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं। और इसके अलावा कुछ सवाल है? अच्छा अब देखते हैं जी हम। ये जो इमेज था ना, डू नॉट ट्रीट दिस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी नजर आ रही है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कोई इमेज ट्रीट मत करें, इसको एज अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही रखें। ये एक मैथ्स की चीज है, इसके अंदर मैथ्स इनपुट हो रहा है और आउटपुट भी मैथ्स हो रहा है।
सो जब भी इमेज के अंदर हम ऑफसेट ऐड करते हैं ना, तो नॉर्मली इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है। ये वाला जो रीजन है ना, ये आपको जो दरमियान में नजर आ रहा है, इस रीजन में क्या हुआ है कि ब्राइटनेस इनहेंस हो रही है। सो ये जो सेंटर रीजन है ना, इसमें आपकी इनहेंस हो रही है, ये जो सेंट्रल रीजन, और इस रीजन में इससे ज्यादा ब्राइटनेस इनहेंस हो रही है। लेकिन कितनी होती है, ये आपके ऑफसेट के ऊपर, एक ऑफसेट पे डिपेंड करता है, स्लोप के ऊपर। सो जितनी आप स्लोप ज्यादा चेंज ओवर करते हैं, उतना ज्यादा कंट्रास्ट में चेंज कम आ रहा होता है। जितना स्लोप की वैल्यू ज्यादा रखते हैं, उतना कंट्रास्ट आपका ज्यादा चेंज होता है। दूसरा सवाल ये था कि क्या हम ऑफसेट को अगर नेगेटिव कर दें, यानी माइनस की तरफ ले जाए। दानिश में आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, मुझे लेक्चर के एंड में याद करिएगा, मैं वो फाइल बंद कर दी तो मैं दोबारा से ओपन कर दूँ। अब सवाल ये है, क्या हम जो आपका ऑफसेट है इसको नेगेटिव कर सकते हैं इमेजेस के अंदर? नो, इन इमेजेस इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये ऑफसेट नेगेटिव पे जा ही नहीं सकता। ये अगर यहाँ पे आ रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे कोई ड्रॉइंग हो। लेट मी क्लियर दिस वन। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये वाला जो लाइन है इसको उठा के मैं यहाँ पे प्लॉटिंग का, ये वाली लाइन, इसका यानी ऑफसेट मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। इमेजेस के अंदर देयर इज नथिंग सच एज लेस देन जीरो, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, जीरो है। माइनस टू, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फोर डज नॉट एग्जिस्ट। एनीथिंग व्हिच इज बिलो जीरो इज मैप्ड टू जीरो। ठीक है तलाश श्याम, सही है? यस सर, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थे ना, ये बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ये कंट्रास्ट थ्रेशिंग स्ट्रेचिंग है, या मल्टी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने एक से ज्यादा लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी इस केस में, और फिर इसके बाद आपने इस पे थ्रेशहोल्डिंग का ये फिनोमेना लगाया। सो पहले वाला जो केस था, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका इमेज आया, यानी ये आपका एक ऐसा इमेज था जिसका कंट्रास्ट लो था, और बी इमेज ऐसा था जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसका कंट्रास्ट इनहेंस कर दिया, ये जो सी वाला इमेज था, और डी इमेज ऐसा है जिसको ऊपर हमने इस इमेज का थ्रेशहोल्डिंग अप्लाई किया। अगर मैं इस इमेज के ऊपर डायरेक्ट थ्रेशहोल्डिंग अप्लाई करता हूँ ओरिजिनल के ऊपर, तो लाइकली चांस है कि आपको सारे जीरोज ही नजर आ रहे होते। सो इसलिए इस इमेज को हमने इनहेंस किया और फिर आप मैं इसके ऊपर थ्रेशहोल्डिंग अप्लाई किया। सिमिलरली आप जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसके अंदर आप ये नहीं चाहते कि आप मल्टी लेवल थ्रेशहोल्डिंग अप्लाई करें। समटाइम्स आपकी डिजायर ये होती है किसी एक सर्टन स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करें। स्पेसिफिक एरिया का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो 81 से लेकर तो 96 के दरमियान है ना, सिर्फ इन्हें वन करें, बाकी सिर्फ 81 से 96 के दरमियान जो वैल्यूज है ना, इनको चेंज कर दें, सारी की सारी इन वैल्यूज को मैप कर दें 115 के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो टॉप है ना, इसकी वैल्यू 115 है, और ये वैल्यू क्या है, 81 से शुरू हो रही है और 96 तक जा रही है। अदर देन ऑल दीज वैल्यू, ये जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो इनपुट है, वट एवर इज द इनपुट इन एन इमेज, दैट इज इक्वल टू द आउटपुट ऑन एन इमेज। सो इसलिए ये स्टेट लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इफेक्ट आता है, एक सर्टन स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं उनको हमने इनहेंस कर लिया, यानी उनकी वैल्यू को ज्यादा कर दिया, बाकियों को हमने नहीं छोड़ा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हाई लाइट इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब ये एक एग्जाम्पल इसकी दिखाई गई है जिसके अंदर एक हार्ट था, और हार्ट के ऊपर हमने एंजियोग्राफी अप्लाई की। एंजियोग्राफी क्या करती है कि हम हार्ट में कलर्ड इमेज, एक डाई डाल देते हैं, और वो जो डाई है ना,
वो हार्ट का कलर्ड इमेज आउटपुट में दिखा देता है। कलर तो नहीं है, आप मतलब डाई अगर आप ना डालें तो आपको कोई इमेज नहीं नजर आता। सो हमारा हम चाहते ये हैं कि जो इमेज एक्वायर किया है ना, इस इमेज के अंदर हार्ट का बाकी पोर्शन भी नजर आए, बिकॉज अभी इस पोर्शन में सिर्फ ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, पोर्टल वेन नजर आ रहा है। वेयर एज मेरी कोशिश ये है कि मैं हार्ट के अंदर में से दूसरा जो पोर्शन है वो भी नजर आए मुझे। सो इन ऑर्डर टू हाईलाइट दैट पोर्शन मैंने क्या किया कि एक सर्टन स्पेसिफिक ग्रे लेवल को इनहेंस किया, और जब मैंने उस ग्रे लेवल को इनहेंस किया तो मेरे पास हार्ट के बाकी मसल भी नजर आना शुरू हो। ठीक है जी, ओके लेट्स गो अहेड। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक थ्रेशोल्डिंग प्रोटीन। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू हैंडल विद बिट लेवल प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन। एज वी ऑलरेडी नो कि हमारा इमेज जो है ये 8 बिट का, यानी जो भी आप वैल्यूज हैं वो 8 बिट के ऊपर मैप हो रही है, 0 से 255 हैं तो 8 बिट की वैल्यूज इसमें मैप हो। सो हम देखते हैं सबसे ज्यादा इमेज में डिटेल कौन सी बिट की डिटेल क्या पड़ी होती है, कौन सी मैटर करती है। ये मेरे पास जो पहला वाला इमेज है ना, ये मेरे पास एक ऐसा इमेज था जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू जो है वो $1 की पड़ी हुई थी, इसको हमने बिट में स्लाइस किया। और जो आगे आपको इसके इमेजेस नजर आ रहे हैं वो LSB से शुरू हो रहे हैं और MSP तक जा रहे हैं, यानी ये इसकी पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, तीसरी बिट है, चौथी बिट है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बिट। सो हमने इंडिविजुअली हर बिट का इमेज शो करवा लिया, बाकी सारी उड़ा दी और सिर्फ उन बिट्स का इमेज है। अगर आप इसे गौर से देखें तो जो MSB होती है ना उसके अंदर इमेज की मोस्ट डिटेल पड़ी होती है, यानी मेजर डिटेल MSB में पड़ी होती है और माइनर डिटेल आपके पास कहाँ पे पड़ी होती है, आपके पास इसके LSB में, यानी छोटी जो डिटेल है वो आपकी LSB में पड़ी होती है। सो जितनी हाई रेजोल्यूशन का इमेज है उतनी ज्यादा इसमें डिटेल नजर आ रही है। अगर मैं इस इमेज में से सिर्फ इसकी 8th बिट रखूं और बाकी सारों को उड़ा दूं तो भी मेरे पास एक बड़ा काम का इमेज है, क्योंकि मुझे इससे नजर आ जाता है ये $1 का साइन है, लेकिन इस इमेज में कौन सी डिटेल प्रेजेंट नहीं है। थोड़ा सा से गौर से जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूं। इस इमेज के अंदर आपके पास जो छोटी लाइंस लगी है ना, माइनर लाइंस, वो नहीं है। फेस के अंदर जो माइनर डिटेल्स हैं वो इस इमेज में नहीं है, ये सारे डिटेल आपके पास इन लोअर साइड पे होती हैं। सो बिट वाइज अगर आप इमेज को देखें तो LSB इमेज में फाइन डिटेल पे आती है और MSB इसमें मेजर डिटेल के ऊपर प्लॉट हो रही होती है। ओके जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। आई विल नॉट कवर दिस टुडे, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है। एक सेकंड, इसके बजाय मैं स्पेशल फिल्टरिंग वाला ना टॉपिक करा देता हूँ, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। सो हम जो पहला फिल्टर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एवरेजिंग फिल्टर, जो इसकी मैंने शुरू में बात की थी। फिल्टर जो है ना वो आपके पास 3x3 में अप्लाई होते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको दो फिल्टर दिखाए हुए, एक एवरेजिंग फिल्टर है जिसका साइज है 3x3 और हमने हर वेरिएबल को 1/9 से मल्टीप्लाई। सेकेंड जो आपको जो फिल्टर अभी नजर आ रहा है ये वाला, ये आपके पास एक इनहेंस्ड एवरेजिंग फिल्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स एक्सिस और सेंटर वैल्यूज हैं इनके ऊपर एवरेजिंग का फैक्टर ज्यादा अप्लाई हो रहा है। सो हमने जब इस फिल्टर को इस पर अप्लाई किया तो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला जो मेरा फिल्टर का साइज था वो था 3x3 का, जब मैंने इस इमेज पर अप्लाई किया तो ये इफेक्ट आया, दिस इज बिकॉज ऑफ द 3x3, दिस इज ऑफ 5x5, दिस इज 9x9, दिस इज 15x15, दिस इज 35x35। सो जितना आप फिल्टर का साइज इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा इमेज में ब्लरिंग भी आपको नजर आ रही होगी। जितना फिल्टर का साइज छोटा है उसमें ब्लरिंग तो होती है लेकिन उसका इफेक्ट कम होता है।
और हम इसको बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं। मैं चाहता ये था कि मैंने हबल टेलीस्कोप से एक इमेज लिया, लेकिन इस इमेज के अंदर डेब्रीज आ गए, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स स्पेस में टूटे हुए ना वो आ गए, और मैं चाहता हूँ कि उन पार्टिकल्स को एलिमिनेट करूँ और मैं सिर्फ अपने काम के, यानी मैं इसमें से स्टार्स और प्लैनेट्स को अलग करना चाह रहा। तो मैंने क्या किया, इस पर एक दफ़ा फिल्टरिंग अप्लाई की, एवरेजिंग अप्लाई करने के बाद मैंने इस पर थ्रेशहोल्डिंग की, तो जिस जिस जगह पे प्लैनेट्स थे उनकी पोजीशन मुझे आ गई, और इनसे मैंने प्लैनेट्स की पोजीशन को फिर और का ऑपरेटर अप्लाई कर लिया, जो मैंने आप लोगों को 9th चैप्टर में भी अभी कराया, मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी सी द डेरिवेटिव इमेज इफेक्ट्स टू इट। सो सबसे पहला वाला जो हमारे पास इफेक्ट है ना, ये हमारे पास है लैप्लाशियन फिल्टर। लैप्लाशियन क्या करता है कि इमेज का टू डायमेंशनल डेरिवेटिव कंप्यूट करता है। डेरिवेटिव से क्या होता है, इमेज में रेट ऑफ चेंज आता है। अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर मैंने डेरिवेटिव कंप्यूट किया। डेरिवेटिव कहाँ बताता है, ये सीधी सीधी आ रही है, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू कोई नहीं है, एकदम से रेट ऑफ चेंज आया तो ये पिक्सल आ गया, यहाँ पे दोबारा रेट ऑफ चेंज आया तो ये स्पाइक आ गया। इसी तरह इस इमेज के अंदर हम चलते गए, एकदम से एब्रप्ट चेंज आया हमारे पास इस जगह पे, तो आपको ये स्पाइक नजर आ गई, दोबारा ये वाली चेंज आया तो ये स्पाइक नजर आ गई। अब हमने क्या किया कि इसी का दोबारा एक और दफा डेरिवेटिव लिया, यानी एक दफा डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो ये क्या बन जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव। इस इमेज को देखते हैं, चलते गए, चेंज कहाँ पे आ रहा है, इस पोजिशन पे चेंज आ रहा है, यानी एक इफेक्ट गया, ये पीक पे पहुंचा और पीक से एकदम ये डाउन पे गया तो फिर एक और स्पाइक नजर आई, यानी एक दफा पॉजिटिव पे जाते हुए डेरिवेटिव आया चेंज, और एक दफा नेगेटिव पे जाते हुए चेंज आया, बिकॉज इसमें यहां से गए इधर से गए एकदम पॉजिटिव पे गए तो चेंज नहीं आ रहा था, पॉजिटिव एज इट इज रही, नेगेटिव की तरफ गए तो सिर्फ नेगेटिव वाला चेंज आया था। लेकिन इस इमेज में हमारे पास डबल चेंजेस आ रही है। डबल चेंजेस किस तरह, यानी एक दफा पॉजिटिव पे गए, हाई स्पीक पी गई, और फिर एक दफा जीरो के ऊपर गए तो हमारे पास एक दफा पॉजिटिव का रेट ऑफ चेंज आया, एक दफा नेगेटिव का रेट ऑफ चेंज। सिमिलरली अगले केस में भी इसी तरह था, एक दफा नेगेटिव का रेट ऑफ चेंज, एक दफा पॉजिटिव का रेट ऑफ चेंज। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट डेरिवेटिव इन एन इमेज। इसका इफेक्ट क्या होता है इमेजेस पे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम यूज करते हैं आपके पास इमेज की बाउंड्रीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी इसके कुछ ऑपरेटर हैं। पहला जो ऑपरेटर आपको बता रहा हूँ वो इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑपरेटर। ग्रेडियंट क्या करता है, इमेज में रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है। तो हमने कैसे इसे कंप्यूट किया, डेल्टा ऑफ एफ इज इक्वल टू जी एक्स बाय जी वाई। तो इसका मतलब है एक दफा एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज लिया, एक दफा वाई डायरेक्शन में हमने इसमें से रेट ऑफ चेंज कंप्यूट किया। और मैग्नीट्यूड कैसे कंप्यूट करते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर से इसे कंप्यूट करते हैं। अगर हम इसको जो आपके डेरिवेटिव्स हैं इनको इमेजेस में अप्लाई करें, तो मैंने इसे ये इस फॉर्म में किस तरह लिखा, सो दिस वॉज रिटन बेसिकली, ये एक ऐसा इमेज था जिसमें ये ऑपरेटर्स पड़ेंगे। एक मैं आप लोगों को ऑपरेटर दिखाता हूँ, बजाय मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ। ये ऑपरेटर्स पढ़े W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9। अगर आप मेरे प्रीवियस डिटेल लेक्चर्स देखें तो मैंने उसमें इनकी कंप्यूटेशन दी हुई है कि इसको हमने एग्जैक्टली कंप्यूट किस तरह किया। सो मैंने इन W's के ऊपर जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अप्लाई किया तो उस डेरिवेटिव अप्लाई करने की वजह से मुझे जो आउटपुट मिल रही है, मैंने इस पर बेसिकली ये लिमिट का फंक्शन अप्लाई किया, और लिमिट का फंक्शन अप्लाई करने की वजह से मुझे जो आउटपुट मिलती है वो होती है i प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू आई वन एक्स प्लस वन माइनस आई वन। ये मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कंप्यूट किया किसी भी दो पॉइंट्स का। सो जब आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं और मैं
इमेज के अंदर अगर एक्स का ऑपरेटर आपको दिखाऊं तो आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जी एक्स इज इक्वल टू जी सेवन टू जी एट प्लस जी नाइन माइनस जी वन प्लस टू जी वन प्लस जी थ्री। इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सो एक मिनट जी, स्निपिंग टूल लेना है। सो ये वाला जो इमेज था ना, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और इस इमेज के ऊपर ये वाली जो आपकी फिल्टर वाली क्वेश्चन थी ना, इसको हम अप्लाई करते हैं। सो दिस वाज बेसिकली ये आपकी फिल्टर वाली क्वेश्चन थी और मैं इसमें मेरे पास क्या वैल्यूज थी जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो थी जी सेवन प्लस टू जी एट प्लस जी नाइन। अगर मैं इसको लिखूं माइनस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एक सेकंड, माइनस जी वन प्लस टू जी टू प्लस जी थ्री। सो आपको जो इससे आउटपुट मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, जी सेवन पे जाके वन लिखा दो, जी एट पे भी वन, टू लिखा दो वन टू, जी नाइन पे भी वन लिखा दो। माइनस जी वन, ये दिस इज माइनस वन, माइनस टू जी टू, दिस इज माइनस टू and minus 1. So this is the derivative in the x direction. और y के अगर हम केस में लेते हैं तो वो भी इसी तरह होता है, 1 to 1 minus 1 minus 2 minus 1. So this is the case in the y direction. So let's see कि हमारे पास images के अंदर ये किस तरह आ रहा होगा। So ये देखिए आपको x direction का दिखाया हुआ है, ये y डायरेक्शन के अंदर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया। सो यूजिंग दिस आप x और y दोनों में अपना रेट ऑफ चेंज अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली लैप्लाशियन में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग डेरिवेटिव्स नहीं होते, बल्कि लैप्लाशियन x और y दोनों को इकट्ठा कंप्यूट कर रहा होता है। ग्रेडियंट x डायरेक्शन में भी लेता है और y डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन लैप्लाशियन में x और y का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इकट्ठा ही ऑपरेटर अप्लाई हो रहा होता है। सो ये इसकी एग्जांपल दिखाइए, पहला जो इमेज था मैंने इस इमेज के ऊपर क्या था, ये जो पहला इमेज है इस इमेज के ऊपर आप देखें यहाँ पे इसमें डॉट्स आ गए, ये डॉट्स आ गए, डॉट्स आ गए, डॉट्स आ गए, डॉट्स आ गए, और इन डॉट्स को मैंने एलिमिनेट किया बाय अप्लाइंग द लैप्लाशियन फिल्टर टू दिस इमेज, जिसने इन एरोस को क्लियर कर लिया। ओके, so this is exactly the implementation of what we just look a few moments ago. ये एक दफा implementation दिखाई गई है आपकी Laplacian की, और second time आपके पास ये filter mask दिखाए गए हैं जिसके अंदर इसी question की एक extensive implementation हुई हुई है। ये आपका एक मून था और मून का हम इसमें बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, तो बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की हमने बाय अप्लाइंग लैप्लाशियन, तो ये आपको बाउंड्री मिल गई। और इस बाउंड्री को जब आप ओरिजिनल इमेज में ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका इमेज शार्प हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज शार्पनिंग ऑफ एन इमेज। सो अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखें तो ये एक ऐसा इमेज है जो ओरिजिनल इमेज था, ये वो वाला इमेज है जिसके अंदर से हमने लैप्लाशियन से इसकी बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की और ये हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले की, इसको हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो आपको ये जो फाइनल इमेज नजर आ रहा है ये एक ज्यादा शार्प इमेज है, इसके आपको होल्स मून की और इसकी बाउंड्री ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रही है, वेयर एज इस केस के अंदर ये ब्लरी ब्लरी सा इमेज आपको नजर आ रहा है। सो दैट वॉज योर शार्पनिंग। शार्पनिंग हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इमेज लिया, उस इमेज में अगर ब्लरिंग हुई हुई है तो उस पर हम अनशार्पनिंग मास्क अप्लाई करते हैं। अनशार्पनिंग मास्क क्या है कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जहाँ पे रेट ऑफ चेंज है वो निकाला और उसको निकालने के बाद ओरिजिनल इमेज में ऐड कर दिया। जब आपने ओरिजिनल इमेज में ऐड किया तो
तो आपके पास अपना शार्पन इमेज अक्वायर हो जाता है या शार्प इमेज मिल जाता है। सिमिलरली आप रॉबर्ट फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। रॉबर्ट फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो क्रॉस डायरेक्शन में काम करता है, क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, और या फिर एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में अप्लाई करता है। ये रॉबर्ट फिल्टर है। और जो सबसे नीचे दिखाया हुआ है दिस इज कॉल्ड एज सोबल फिल्टर। दिस इज सोबल इन वाई डायरेक्शन, दिस इज सोबल इन एक्स डायरेक्शन। और एक मैंने आपको और दिखाया विच इज योर लैप्लाशियन फिल्टर। लैप्लाशियन में एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हम एक ही साथ इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे होते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने नॉन लीनियर फिल्टर्स देखे, जिसके अंदर आपका एवरेजिंग फिल्टर था, और एवरेजिंग फिल्टर की हमने एप्लीकेशन देखी, जिसके अंदर लास्ट में हमने एक बॉडी का इमेज था, तो जिसको हम चाह रहे थे कि एक इमेज को एनहेंस करें। ये आपने असाइनमेंट नंबर वन, और ये आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी यही था जिसमें आपने इस एक्सरे को एनहेंस करना था। सो हाउ दैट वाज डन, एक एक्सरे लिया, उसके बाद इस पर लैप्लाशियन फिल्टर अप्लाई किया। लैप्लाशियन फिल्टर अप्लाई करने से इसकी बाउंड्रीज आ गई। बाउंड्रीज आने के बाद इमेज को आपने शार्प किया, और शार्प इमेज जो है वो ओरिजिनल इमेज के अंदर आपने ऐड किया, तो आपको इमेज का जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा इनहेंस मिलेगा। इफ़ यू लुक एट द सी, तो सी ऐसा इमेज है जो सिर्फ शार्प हुआ है, लेकिन जो आपको डी इमेज है ये सोबल ग्रेडियंट भी इस पर अप्लाई हुआ है। ग्रेडियंट से क्या हुआ है कि आपके इसमें जो छोटे 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 माइनर नॉइजेस थे ना, यहाँ पे देखिए ये एलिमिनेट होके ये स्मूथ हो गए। सो दिस इमेज वॉज ऑब्टेन जस्ट बाय अप्लाइंग फोर फेजेस टू इट। और ये वाला इमेज था जिसके अंदर हमने क्या करना था कि जहाँ पे आपके पास ये शीशा टूटा हुआ है ना, हमने ये डिटेक्ट करना था। सो ये वाला जो शीशा ना इस एज के ऊपर टूटा हुआ है, इस एज के ऊपर टूटा हुआ है, हमने इसको डिटेक्ट करना था, यहाँ पे आके ज़्यादा विजिबल है। सो अगेन दिस वॉज डन बाय अप्लाइंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक टू इट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बता देता हूँ, लास्ट में सोबल फिल्टर अप्लाई किया है, सोबल इन द एक्स, सोबल इन द वाई, सोबल इन द एक्स डायरेक्शन, सोबल इन द वाई डायरेक्शन। रॉबर्ट फिल्टर क्रॉस में अप्लाई हो रहा होता है, ये रॉबर्ट फिल्टर है, ये भी रॉबर्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है, और दिस इज कॉल्ड एज द मास्क, जिसको हम आप एक मिनट सवाल में ले लो। अच्छा दानिश महमूद आपकी अटेंडेंस में ले लेता हूँ। ओके सो लास्टली वी लुक्ड एट योर लैप्लाशियन फिल्टर। लैप्लाशियन फिल्टर में क्या था कि हम दोनों को एक ही दफा में अप्लाई कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों को नहीं देख रहे होते। सो दिस इज द लैप्लाशियन फिल्टर। इस लैप्लाशियन फिल्टर की खासियत ये है कि इसमें इन्हेंसमेंट भी हुई हुई है। 4z5 - 2z2 z4 z6, सो इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी अप्लाई हुई हैं, इन्हेंसमेंट भी साथ ही अप्लाई हुई हुई है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये मैंने आप लोगों को कोई थर्ड टाइम रिवाइज कराया, प्लीज़ इस लेक्चर से दोबारा गो थ्रू ज़रूर हो, तो फेयरली इजी लेक्चर। सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन भी दोबारा रिपीट करवा दूँ। ओके जी, दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल शेयर द फाइल विद यू। मोर ओवर देयर विल बी अ क्लास टुमारो। मैं सर ज़िया के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको क्लास का टाइम भी बता दूंगा। तो सो कल सिर्फ हमने दो ही टॉपिक करने हैं, एक हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम और दूसरा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का टॉपिक है जो हमने कल के लेक्चर में कवर करना है। आज के लेक्चर की मैंने स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और मैं आज की स्लाइड जो हैं
वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डाल दूंगा। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और एफ आई पी और आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग एक प्रोजेक्ट भी करना है, सो आपको इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की एग्जैक्टली 10% वेटेज होगी, 10 नंबर का प्रोजेक्ट। तो सारे लोग अपने प्रोजेक्ट रेडी रखें। एग्जाम में मोस्ट लाइकली मिड में 5 मार्क्स प्रोजेक्ट के होंगे और फाइनल में भी 5 मार्क्स प्रोजेक्ट के काउंट हो रहे होंगे।